Done, done. Budeme. कश्मीर क्राउन का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप नाज़रीन, ये वही जगह है जहां पर कल रात को एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिस हादसे में कुल मिलाकर 10 लोगों की मौत हुआ। जी हाँ, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वे तस्वीरें उसी मकाम से है जहां पर बुचीथला के मकाम पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया था, जिस हादसे में 10 लोगों की मौत वाकया हो गई और बाकी शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। यही आपको बता दें कि यही सोमो गाड़ी इसी जगह इसी मकाम से नीचे गिर गई, जहां पर उस वक्त इस गाड़ी में लगभग 15 के आसपास लोग सवार थे और ये ड्राइवर के काबू से बेकाबू हो गई और इतनी हाइट से नीचे चली गई, जिसके बाद पूरे इलाके में इस वक्त सफे मातम का माहौल है। ग्राउंड जीरो से भी हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देख लें कि यही वो मंजर है, यही वो नाला है। दानिश मेरे साथ ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यही वो तस्वीर है जहां पर ये गाड़ी इतनी गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसके बाद वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। ये देखिएगा, ये तस्वीरें जो मेरे साथ ही दानिश आपको दिखा रहे हैं, दानिश पैन करके दिखाइएगा कहां से गाड़ी कहां नीचे की तरफ गई थी। यही वो जगह है जहां जिसके बाद नीचे से लोगों को रेस्क्यू करके ऊपर लाने की कोशिश की गई थी। दर्दनाक तस्वीरें जिसके बाद पूरे इलाका जो बुचीथला का बस। जी हाँ, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी मकाम से है जिस मकाम पर कल रात को एक दर्दनाक हादसा पेश आया था, जिस हादसे में कुल मिलाकर 10 लोगों की मौत वाकया हो गई थी। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी मकाम से है जहां पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया था और इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत वाकया हो गई है। अभी भी कुछ एक लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में जेरी इलाज हैं और उनका हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रहा है। बहरहाल दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सुबहाना व तआला सबको शिफायाब करे। लेकिन एक बार फिर मैं आपको तफसील दूं, इस हादसे में ताहिरा वाइफ ऑफ रियाज अहमद ने जान खोई, अमीना डॉक्टर ऑफ अब्दुल गनी इन्होंने जान खोई, मोहम्मद मकबूल शेख सनाफ अहमद शेख इन्होंने इस हादसे में जान खोई, अब्दुल रहीम सनाफ माफ कीजिएगा अब्दुल रहमान सनाफ फतेह इन्होंने इस हादसे में जान खोई, मकसूद अहमद सनाफ गुलाम रसूल इन्होंने इस हादसे में जान खोई, सरवा वाइफ आप गुलाम मोहम्मद बख्शी इन्होंने इस हादसे में जान खोई और समीना वाइफ आप अब्दुल हमीद शेख इन्होंने भी इसमें जान खोई इस हादसे में। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, हाजी अब्दुल रज़ाक भी बताया जा रहे हैं उन्होंने भी इस हादसे में जान खोई है और कुछ एक लोग शदीद तौर पर अभी जख्मी है। लेकिन सुपाट की तरफ मेरे साथी दानिश आपको एक बार फिर दिखाएंगे, ये देखिएगा कि कितनी ऊंचाई से गाड़ी नीचे की तरफ गई और नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद हमें ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला, क्योंकि फिसलन भी रोड पर बहुत ज्यादा थी, बर्फ भी हल्की सी हुई थी कल शाम को और उसके चलते जो है ये गाड़ी फिसलन की वजह से इस रोड से जो है खिसक गई नीचे की तरफ और ये दर्दनाक हादसा पेश आया। बाकी दानिश अगर आपके पास कुछ मजीद तफसीलात है आप भी मुझे आगाही दीजिएगा ताकि नाज़रीन को पूरी इंफॉर्मेशन मिले। दानिश जी मंजूर, अभी हम चल रहे हैं इनके वहाँ पहुँच के हम आपको तफसील से आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दानिश आपका शुक्रिया। यही वो जगह है क्या दानिश, नीचे जो ढांचा नजर आ रहा है क्या ये गाड़ी अभी वही जगह है? आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी दूर
पहुंच चुकी है और इस हाइट से ये आ चुकी है, गिर चुकी है इस हाइट से। ये बता दीजिएगा जो गाड़ी का ढांचा है ये भी अभी नीचे ही है इस गहरी खाई में? हाँ जी हाँ जी, आप देख सकते हैं ये है, मैं जूम करके आपको दिखा सकता हूँ, ये है वो गाड़ी। ठीक ठीक, तो ये भी बता दीजिएगा दानिश असली कौन सा स्पॉट है जहाँ से ये गाड़ी नीचे खिसक गई, वो दिखाइएगा जरा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से ये आ चुकी है गाड़ी ऊपर से। अच्छा, ये जो नीचे तस्वीरों में नजर आ रहा है जो हमारे लोग देख रहे होंगे कि जो ढांचा नीचे नजर आ रहा है ये अभी गाड़ी आप देख सकते हैं जहाँ पे वो ऊपर लोग हैं यहाँ से गाड़ी आई है। ठीक ठीक, ये गाड़ी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है गाड़ी? बिल्कुल 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 तबाह, बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट उतर गई है गाड़ी। ठीक ठीक ठीक, ये ऊपर वाले रोड से आई है या जिस रोड पे अभी आप मौजूद हैं यही से नीचे? ऊपर वाले रोड से। चलिए नाज़रीन को एक बार फिर बता दें कि जो दानिश तस्वीरों में दिखा रहा है ऊपर वाली पहाड़ी से गाड़ी नीचे खिसकी है। नीचे खिसकने के बाद जब वो नीचे रोड पर पहुंची और नीचे वाले रोड से वो नीचे गहरी खाई में जा गिरी है, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। और क्या ये जो बंड यहाँ से टूट गया है दानिश, क्या ये इसी वजह से टूटा है ताकि ऊपर से गाड़ी पूरी स्पीड से आई? जी जी जी, वहीं से जब गाड़ी आई तो डायरेक्ट इसी बंड पे लगी के और वहीं से वो सीधे नीचे खाई में चली गई। तो दानिश ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि जो ड्राइवर गाड़ी के थे उन्होंने गाड़ी से छलांग मारी थी वो बच गए शायद, उस हवाले से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? सुनने में आया है कि उनको सर में चोट लगी है, अभी वो भी सीरियस है, अभी पूरी कंफर्म नहीं है वो क्या ठीक है क्या है। ठीक दानिश, आपका शुक्रिया। तस्वीरें जरा फिर से दिखाइएगा कि कितनी गहराई से गाड़ी जो है कितनी गहराई में चली गई है। बहरहाल एक बार फिर आपको बता दें, जो कि नए नाजरीन हमारे साथ ज्वाइन किए हैं उन्हें बता दें कि वही मकाम है जहां पर अब तक का, मैं यूं कहूंगा कि पिछले साल को भी अगर मिला लें या रवा साल को भी मिला लें तो अब तक का सबसे बड़ा दर्दनाक और खौफनाक हादसा शुमाली कश्मीर के बोनियार के इसी मकाम पर पेश आया, जिस मकाम से मेरे साथी दानिश आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जहां पर ये दर्दनाक हादसा पेश आया। ऊपर जो पहाड़ आप देख रहे हैं, जो ऊपर के आप ये जंगल देख रहे हैं, और इन्हीं जंगलों के बीचों बीच ऊपर से गाड़ी खिसक आई और जिस मकाम पर अभी ये मौजूद है दानिश वहीं से गाड़ी नीचे वाले रोड पर पहुंची और नीचे वाले रोड से ये नीचे की तरफ चली गई और गाड़ी पूरी तरीके से जो है वो तबाह हो चुकी है। गाड़ी पूरी तरीके से खंडरात में तब्दील हो चुकी है और गाड़ी की कोई भी चीज जो है वो बची नहीं है। और साथ ही साथ उनके कपड़े हैं जो कल जिनकी डेथ हो चुकी है, हाँ ये आप देख सकते हैं ये कपड़े। अच्छा, ये कपड़े किस तरह यहाँ पर फंस गए? क्या ये गाड़ी जिस वक्त पलट रही उसी वक्त ये फंस गए? जब इनको वहां से उठा के लाए तो बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बर्फ भी गिर रही थी, कुछ समझ ही ना आया लोगों को क्या कर रहे थे क्या नहीं करना था। ठीक जी, चलिए ये कपड़े उन्हीं लोगों के हैं, अल्लाह सुभान व तआला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे, कब्र पुर नूर करे और लवाकीन को सब्र जमील अता करे। ये जो कपड़े मेरे साथी दानिश दिखा रहे हैं ये उन्हीं लोगों के कपड़े हैं जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में जान खोई है। तस्वीरें देखिएगा खौफनाक, कितनी हाइट है कितनी ऊंचाई है और खुद अंदाजा लगाइएगा जिस रोड पर अभी आप गाड़ियां देख रहे हैं इस रोड से ये गाड़ी नहीं खिसकी है बल्कि ऊपर वाली जो पहाड़ी है उस पहाड़ी से ये गाड़ी खिसक के नीचे आई है और नीचे की तरफ ये गहरी खाई में चली गई है। दानिश क्या अंदाजा लगाया जा सकता है क्या ये 200-300 फुट की गहरी खाई होगी या इससे ज्यादा ही हो सकता है? ज्यादा हो सकता है। हाँ जी। दानिश के मुताबिक जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है इनके मुताबिक लगभग ये 200-300 फुट के करीब जो गहरी खाई होगी और इस गहरी खाई में गिरने के बाद ये दर्दनाक हादसा जो है ये पेश आया है। ऊपर वाला इलाका है, ऊपर जो जंगलात आप देख रहे हैं इन्हीं जंगलात के बीचों बीच से गाड़ी नीचे खिसक आई और इसी के चलते जो है ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। और कल रात को भी हल्की सी बर्फबारी हुई थी और इसके बाद गाड़ी में ना ही जंजीरें थी और गाड़ी में बहुत ज्यादा ओवरलोड भी था, लगभग 15 के आसपास बंदे इसमें मौजूद थे। लेकिन उसके बाद जो है ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी था और साथ ही साथ इंडियन आर्मी ने भी इसमें जो अपना हाथ निभाया, उन्होंने भी इसमें जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया। और उसके बाद सिविल इंतजामिया की जानिब से जख्मियों को नजदीकी हॉस्पिटल पहले बोनियार पहुंचाया गया, बोनियार के बाद उन्हें कुछ एक जख्मियों को जीएमसी बारामुल्ला पहुंचाया गया जिसके बाद उनको वहां पर इलाज मुआवजा किया गया। लेकिन बदकिस्मती से कुछ एक लोगों ने इस हादसे में जान खो दी। तो ऐसा भी बताया जा रहा है दानिश कि जेसीबी मशीन को बुलाया गया है कि जो इस गाड़ी को नीचे से ऊपर खींचने में काम करेगा। ना अभी ऐसा कुछ भी नहीं है,
अभी तो डेड बॉडी घर इनकी नहीं पहुंच रही है, तो गाड़ी का कहां या अभी चलाएंगे? ठीक ठीक, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहरहाल गाड़ी की कोई अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे जराये से कि गाड़ी को भी नीचे से रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। जी जी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जी। चलिए 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 दानिश, आपका शुक्रिया। लेकिन फिलहाल के लिए अपने नाजरीन को बता दें कि वो जो जो नए नाजरीन ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बता दें कि वो वही मकान है जहां पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया कल शाम को, और कुल मिलाकर इस हादसे में अभी तक 10 लोगों की जाने गई है, 10 लोगों की जाने गई है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कुछ एक घर से ताल्लुक रखने वाले दो दो लोग भी हैं, और पूरे एक ही इलाके से सबका ताल्लुक था। और इस इलाके में जो ये इलाका है बोनियार का, दानिश से मैं एक बार फिर चाहूंगा कि दानिश इस इलाके का नाम एक बार फिर वाजिया कीजिएगा। इस इलाके का नाम है तहसील बोनियार, तहसील बोनियार का ये गांव है, बुजाथल इसको बोल रहे हैं। चलिए शुक्रिया दानिश। बुजाथली जो इलाका है, इसी इलाके के ये लोग रहने वाले थे, और इसी मकाम पर ये दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत वाकया हुई है। बहरहाल जो जो दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं, अल्लाह सुबहाना वताला से दुआ है कि अल्लाह सुबहाना वताला सब जो लोग जिन्होंने इस हादसे में जान खोई है, अल्लाह सुबहाना वताला इन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे और लवाकिन को सब्र जमील अता करे। आप खुद अंदाजा लगाइएगा, जो साथी मेरे साथ ज्वाइन किए हैं आप खुद देखिएगा, दर्दनाक हादसा और खतरनाक सड़कें, और इसी खतरनाक सड़क जो ऊंचाई पर वाकया है, और इसी सड़क से लगभग 200 से लेकर 300 फुट गहरी खाई में ये गाड़ी जा गिरी, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। दानिश ये भी बता दीजिएगा, कुछ एक लोग बताए जा रहे हैं कि जो गाड़ी के छत पे सवार थे, उनके हवाले से बताइएगा क्या वो जख्मी कम हुए हैं या फिर वो लोग ज्यादा जो है जख्मी हुए थे जिन्होंने जान खोई थी जो गाड़ी के अंदर थे? ऐसे तो बताया जा रहा है कि सभी सीरियस है। सुबह हमने भी कंफर्म किया था, एक दो वो है कि जो नॉर्मल है जी, बाकी सब सीरियस है, अभी कुछ भी नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल दानिश, फिलहाल के लिए दानिश के मुताबिक बताया जा रहा है कि अभी भी जो बाकी जख्मी हैं वो हॉस्पिटल में जेर इलाज है, लेकिन उनकी हालत भी तशवीशनाक है, अल्लाह सुबहाना व तआला उन्हें शिफा याब करे। लेकिन कल रात को बोनियार के इस इलाके में कहराम उतर पड़ा, अल्लाह सुबहाना व तआला की जानिब से बड़ा कहर उतर पड़ा, जब इस इलाके से ताल्लुक रखने वाले लगभग 15 के आसपास लोग एक गाड़ी में सवार हुए, और उसके बाद ये गाड़ी हादसे का शिकार बनी, जिसमें अभी तक 10 लोगों ने जान खो दी है। और कुल मिलाकर ऐसा बताया जा रहा है कि गाड़ी अचानक से इस पहाड़ी से खिसक गई और नीचे की तरफ गहरी खाई में जा गई, जिसके बाद जो है ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। फिलहाल के लिए जो भी दोस्त ज्वाइन किए, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप भी ऐसे इलाके का सफर करना चाहते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग या दूध पथरी जैसे पहलगाम मकामात का सफर करना चाहते हैं, तो आज बर्फबारी की वजह से अपनी गाड़ियों के टायरों में जरूर जंजीरों का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ आराम से ड्राइव करें और सेफ ड्राइव करें। और जिस तरह हमें कल ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, और इस हादसे की वजह से पूरी कश्मीर की वादी जो है वो मायूस कुन है, और पूरी कश्मीर में ये खबर एक आग की तरह फैल गई, और पूरे कश्मीर के लोग इन सब के लिए दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह सुबहाना व तआला जख्मियों को जल्द से जल्द शिफायाब करे, और जो लोग जिन्होंने इस हादसे में जान खो दी है अल्लाह सुबहाना व तआला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अदा करे। कुछ ही देर के बाद हम फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, और कुछ ही देर के बाद आपको ग्राउंड जीरो से मनाजिर दिखाएंगे, दानिश मौके वारदात पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, जहां पर जहां से इन लोगों का ताल्लुक था, जहां से इनका ताल्लुक था, और किस तरीके से इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगे, वो सारा मंजर हम आपको दिखाएंगे कश्मीर ग्राउंड पर। तब तक के लिए आप बने रहेगा कश्मीर ग्राउंड के साथ, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। दानिश के साथ में मंजूर डार, कश्मीर ग्राउंड के लिए दानिश ने तस्वीरें दिखाई बोनियार से। बहुत शुक्रिया आपका भी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया।